वेलकम बैक टू अवर चैनल कोर नॉलेज, दिस इज जागृति। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ऑस्टियोमेलाइटिस। एंड फ्रेंड्स, एज यू गाइज नो कि हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड MCQs कवर किए जाते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, लाइक UPPSC स्टाफ नर्स, EHO या फिर NHM या फिर UPPSC स्टाफ नर्स, तो उनके उस लेवल पे जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड MCQs रहते हैं, तो उनको ही इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। एंड वैसे ही आज इस टाइम हम लोग जो है वो एनाटॉमी सब्जेक्ट के जो टॉपिक रहते हैं इम्पॉर्टेंट, उनको कवर कर रहे हैं। सो ये स्केलेटल सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ऑस्टियोमेलाइटिस। एंड ऑस्टियोमेलाइटिस से इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हियर कैन सी द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोपेलाइटिस मीन्स, तो ऑस्टियोपेलाइटिस का मीनिंग क्या होता है। सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द ऑस्टियोपेलाइटिस। ऑस्टियोपेलाइटिस का मीनिंग क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन कॉल्ड इज ऑस्टियोपेलाइटिस। एंड नेक्स्ट हियर कैन सी द, यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द ऑस्टियोपेलाइटिस। सो ऑस्टियोमेलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन यूजली कॉज्ड बाई इन्फेक्शन लाइक स्टाफिलोकोकस ऑरियस। ऑस्टियोमेलाइटिस जो का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन, बोन का इन्फ्लामेशन होता है। यूजली ये कॉज होता है इन्फेक्शन जो है लाइक स्टाफिलोकोकस ऑरियस जो है इसके द्वारा जो है कॉज होता है ऑस्टियोमेलाइटिस। इन्फ्लामेशन जो है वो स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से कॉज होता है एंड ये बोन का इन्फेक्शन होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्टियोमेलाइटिस मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो ऑस्टियोमेलाइटिस जो होता है कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म की वजह से ये ऑस्टियोमेलाइटिस जो है कॉज होता है। तो यहाँ पे जो है इम्यून सप्रेशन की वजह से जो है कॉज होता है ऑस्टियोमेलाइटिस, मोस्ट कॉमनली रिजल्ट रहता है इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चिल्ड्रन अंडर 4 ईयर्स विच ऑर्गेनिज्म इज अ कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमेलाइटिस। तो इन चिल्ड्रन में जो है, अगर चिल्ड्रन जो है अंडर 4 ईयर हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज अ कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमेलाइटिस। तो चिल्ड्रन अगर जो 4 ईयर अंडर हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कॉमन कॉज होता है जिसका, एक्यूट हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमेलाइटिस का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप देखेंगे, हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग जर्म आर कैरीड टू द बोन एज अ रिजल्ट ऑफ बोन ब्लड बोन इन्फेक्शन नॉट बाय सराउंडिंग टिश्यूज। हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है डिजीज जो कॉज होती है जर्म से एंड कैरी टू द बोन एट द रिजल्ट ऑफ ब्लड बोन इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड बोन इन्फेक्शन होता है ये सराउंडिंग टिश्यूज नॉट बाय सराउंडिंग टिश्यूज। एंड पायोजेनिक बैक्टीरिया स्पेशली स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमेलाइटिस का। तो हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमेलाइटिस का जो स्पेशली कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो पायोजेनिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि पायोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा, स्टाफिलोकोकस ऑरियस। एंड नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मसल से रिलेटेड एंड देखते हैं हम लोग मसल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। सो कैन सी मसल्स ऑफ फोरम इज डिवाइडेड इंटू विच ग्रुप, तो मसल्स ऑफ फोरम की जो मसल्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं ग्रुप में। तो आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मसल्स यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, एंटीरियर मसल्स होती हैं एंड कुछ पोस्टीरियर मसल्स होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द मसल ऑफ द फोरआर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि लोकेशन और फंक्शन के बेस पे जो मसल्स होती हैं फोरआर्म की डिवाइडेड होती हैं 2 ग्रुप्स में, एंटीरियर ग्रुप होता है, पोस्टीरियर ग्रुप होता है। इंटीरियर ग्रुप होता है इनका फंक्शन जो होता है प्राइमरली फ्लेक्सन का होता है एंड पोस्टीरियर का जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सटेंसर का। सो विद इन ईच कंपार्टमेंट के साथ मसल आर ग्रुप सुपरफिशियल और डीप, कुछ सुपरफिशियल मसल होती हैं और डीप होती हैं।
एंड मेनली पार्ट जो होते हैं वो मसल के एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट कौन सा वर्क करता है? एंटीरियर पार्ट वर्क करता है मेनली फिक्सर का, एंड जो पोस्टीरियर होता है वो एक्सटेंसर का। सो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ओरिजिन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल इज। तो हैमस्ट्रिंग मसल जो है ओरिजिन इसका, हैमस्ट्रिंग मसल जो होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, स्टील ट्यूबरसिटी से जो होता है, स्टील ट्यूबरसिटी से जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल का ओरिजिन होता है। कहाँ से होता है? हैमस्ट्रिंग मसल का ओरिजिन जो होता है वो स्टील ट्यूबरसिटी से होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन, हैमस्ट्रिंग मसल जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल जो होती हैं वो सेमी टेंडेंशियस एंड सेमी मेम्ब्रेनियस एंड बाइसेप फेमोरिस होती हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उनको ही इन्वॉल्व किया गया है। सो क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट, डेल्टॉइड मसल फाउंड। तो डेल्टॉइड मसल कहाँ पे पाई जाती है? आंसर आप देख सकते हैं कि डेल्टॉइड मसल जो होती है वो फाउंड होती है, पाई जाती है अपर लिम्फ में। डेल्टॉइड मसल कहाँ पर होती है? डेल्टॉइड मसल होती है अपर लिम्फ में। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, इन हाई रेडियल नर्व रीजन द फॉलोइंग मसल आर पैरालाइज्ड। इन हाई रेडियल नर्व रीजन, हाई रेडियल नर्व रीजन में जो होता है कुछ फॉलोइंग मसल्स आर पैरालाइज एक्सेप्ट। तो किसी एक को छोड़ करके जो होते हैं वो, तो वो कौन सा है? ट्राइसेप ब्रोंकाई को छोड़ करके बाकी सभी जो हैं, इन हाई रेडियल नर्व रीजन द फॉलोइंग मसल आर पैरालाइज्ड। तो एक्सेप्ट ट्राइसेप ब्रोंकाई को छोड़ करके बाकी ब्रोंको ब्रोंकोडायलिसिस एंड एक्सटेंशन कार्पेडायलिसिस एंड एक्सटेंशन कार्पेडायलिसिस वर्बिस, ये सब जो हैं वो रेडियल नर्व रीजन, जो कि किसको छोड़कर? ट्राइसेप ब्रोंकाई को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विच मसल डज नॉट बिलोंग टू हिप जॉइंट। यानी कि कौन सी मसल जो है वो हिप जॉइंट से बिलोंग नहीं करती है? तो यहाँ पे बताना है हमें नहीं करती है, जो नहीं करती है मसल हिप जॉइंट से बिलोंग, तो वो कौन सी मसल है? वो है ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल जो है, बाकी जो पोसाज हैं, एलिया कैश हैं, ग्लूटियल, ये सभी जो है हिप जॉइंट से बिलोंग करती हैं, बट जो ट्राइसेप मसल है वो हिप जॉइंट से बिलोंग नहीं करती है। नॉट ही पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? डी, दैट इज ट्राइसेप मसल। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ पेक्टोरियस मसल मेजर मसल इज। द फंक्शन ऑफ पेक्टोरियस, फंक्शन ऑफ पेक्टोरियलिस मेजर मसल, जो पेक्टोरियलिस मसल होती है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? तो उसका फंक्शन होता है एबडक्शन ऑफ आर्म। एबडक्शन ऑफ आर्म इसका मेजर फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉक्सर्स मसल इज एन। तो बॉक्सर मसल कौन सी होती है? जो सेरेटेटस एंटीरियर होती है, ये बॉक्सर मसल कही जाती है। नेक्स्ट मसल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मसल दैट कवर द शोल्डर एंड बैक, जो नेक के शोल्डर और बैक को कवर करती है, नेक के शोल्डर और बैक को कवर करती है, वो कौन सी मसल होती है? वो होती है ट्रैपेजियस, जो वो होती है ट्रैपेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मसल ऑफ थाई प्रेजेंट इन एंटीरियर एस्पेक्ट, जो एंटीरियर एस्पेक्ट मसल पाई जाती है थाई के, वो कौन सी होती है? रेक्टस फेमोरिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मसल इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई। तो एंटीरियर पार्ट में कौन सी प्रेजेंट होती है? रेक्टस फेमोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल डू नॉट फॉर्म मसल ऑफ द मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन का मसल। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा डेल्टॉइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज आर द मसल ऑफ मेस्टिकेशन एक्सेप्ट। सभी जो है मसल वो मेस्टिकेशन की मसल है, किसी एक को छोड़ के। तो स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड को छोड़कर बाकी पैट्रिजॉइड, टेम्पोरिस, मस्टार्ड, ये सभी जो है वो मेस्टिकेशन की मसल्स होती हैं, सिर्फ स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड मसल को छोड़ करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मसल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेफेनॉइड बोन टू द मैंडिबल। तो कौन सी ऐसी मसल जो होती है जो एक्सटेंड होती है सेफेनॉइड बोन से मैंडिबल तक की? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? पैट्रिजॉइड, पैट्रिजॉइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट्स वेट इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो ह्यूमन बॉडी की होती है, इनके वेट के अगर बेस पे कहा जाए तो जो मस्टार मसल होती है वो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे,
सो आपने आज जो है मसल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वीडियो हेल्पफुल रहो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।